आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन 31, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं दोस्तों। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग हुज रीन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हमारा मोड़ा में बनाया गया था दोस्तों, वो कौन से महाराजा के टाइम पर बनाया गया, ये आप लोगों ने बताना। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप लोगों ने एक जो वो डिसाइड करना है, तो आप बता दीजिए। बाकी मैं आपको डिटेल में इसका पूरा आंसर बताऊंगा दोस्तों। तो अभी मैं बता दूं मैं आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो आप करेगा महाराजा प्रताप सिंह। तो डिटेल में हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे। इन्हीं के टाइम पे पहला इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो वो मोहरा में दोस्तों बनाया गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका दोस्तों, ये 22.5 किलोमीटर दूर है बारामूला से। ठीक है, उड़ी पे झेलम रिवर पे दोस्तों ये, मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं अब यहाँ पे कि हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कम्प्लीटेड द बनिहाल काट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए जम्मू कश्मीर में बनिहाल काट रोड जो वो किसने कंप्लीट की है। तो वो है हमारे महाराजा प्रताप सिंह दोस्तों। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे चल के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह जो इन्होंने झेलम वैली रोड जो वो कंप्लीट की थी, जिसका नाम है बनिहाल काट रोड। ये दोनों झेलम वैली और बनिहाल, ये दोनों जो है दोस्तों ये इनके टाइम पर यहाँ पर बनाई गई हैं। इन्होंने ब्रिज भी बनाया था तवी रिवर पे एंड लिंक जम्मू विद सियालकोट के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हु बिल्ट रणबीरेश्वरम टेम्पल जम्मू का, जो हमारा जम्मू का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है दोस्तों, ये कौन से किंग ने बनाया। आपके पास ऑप्शन हैं, आपने बताना है। तो मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, दैट योर रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जो हमारे रूलर थे, इन्होंने बनाया था। डिटेल में हम लोग देख लेते हैं इसको, इसकी काफ़ी डिटेल है जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया का ये टेंपल है, जो लॉर्ड शिवा का है ये। इसका नाम आप देख सकते हैं, विष्णु टेंपल बना था जम्मू का बिगेस्ट, और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेंपल, और ये शिव गॉड को डेडिकेटेड, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 1883 में महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया ये। इसको दो हाल में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसमें आप गणेश कार्तिका ये जो शिव के बच्चे थे दोस्तों, इनकी इमेजेज यहाँ पर मिल जाती हैं। 8 फीट लंबा यहाँ पे आपको एक शिवलिंग भी मिल जाता है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह के बाद यहाँ का रूलर कौन बना है दोस्तों। ऑप्शन से आपके पास एक एक करके आप बता सकते हैं। राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, राइट आंसर आपका महाराजा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं महाराजा रणबीर सिंह जी जो है, उन्होंने इसके बाद थ्रोन असेंड की। डिटेल में हम लोग देख लेते हैं इसको, कब की कौन से टाइम पे। तो अब देख सकते हैं कि जो महाराजा रणवीर सिंह है, इन्होंने थ्रोन ली क्योंकि 1857 में जो डेथ हो जाती है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ गुलाब सिंह जी के। तो उसके बाद ये 1885 तक जो है यहाँ पर रूल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये जीके से में पूछा भी जा चुका है दोस्तों, कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी जम्मू कश्मीर में कौन से महाराजा ने किया। ठीक है, इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं, कि हमारे इतने अच्छे महाराजा थे जम्मू कश्मीर के कि उन्होंने उस टाइम पर प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करके दिया था। कौन से थे वो आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, लेकिन राइट आंसर है आपका दोस्तों महाराजा हरि सिंह जी। तो चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि महाराजा हरि सिंह जी जो है, इन्होंने रिफॉर्म लाया एजुकेशन सिस्टम में, और इसी वजह से इन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इनके रिफॉर्म पर एजुकेशन किया कंपलसरी। ठीक है, लॉ प्रोविडिंग चाइल्ड मैरिजेस के लिए भी, और वर्शिप लोअर कास्ट के लिए भी इन्होंने अलाउ किया। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे। चलिए, ओके एंड गुड बाय।